हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट में आई हूँ मेडिटेरियन फूड को ट्राई करने। सो चलिए चलते अंदर। नज़र पड़ी है वहाँ, और वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, और चलो देखते हैं वहाँ पे क्या है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे इन्होंने इतनी मज़ेदार बारबेक्यू लगाया हुआ है। हम देख सकते हैं कितनी वैरायटीज लगाई हुई है बारबेक्यू। अब हम चलते हैं शेफ अनिरुद्ध की तरफ एंड उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो सर। हेलो। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप बता सकते हैं क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मेडिटेरियन फूड, जिसमें बारबेक्यू भी है, शवरमा है, हमारे पास बहुत सारे मेज़े हैं। अभी जो बन रहा है, अभी शीश तवक बन रहा है यहाँ पे, वहाँ पे शवरमा बन रहा है, तो जो खुशबू आ रही है उसी की आ रही है। आपका सर एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे कोर्टयार्ड बाय मैरियट के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब से होटल खुला है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो इसलिए हमने इस बार अमृतसर किचन में कुछ अलग करने का सोचा था। तो हमने उसी तरह से कुछ प्लान किया था कि हम कुछ मेडिटेरेनियन करते हैं ताकि लोगों को हम कुछ वैरायटी दे सकें। यहाँ की स्पेशलिटी बता सकते हैं? अमृतसर किचन की स्पेशलिटी अमृतसरी फूड है, जो लोकली फ्लेवर्ड है, जो लोकल लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर जो अमृतसर आता है, जो अमृतसर आके एक खाने के बारे में सोच के आता है, वही चीज़ उसे यहाँ मिलती है जो बाहर मिलेगी। हमारा स्पेशलिटी हमारे छोले कुलचे हैं, हमारा बटर चिकन है, हमारा मटन है। कुलचे तो अमृतसर के रहते ही हैं, रहते ही अच्छे, और अगर कुलचे अच्छा नहीं तो आपका रेस्टोरेंट अच्छा नहीं। आज सर आप स्पेशल हमें क्या ट्राई कराने लगे? आज मैं आपको कुछ स्टफ पास्ता ट्राई करवाऊंगा, चीज तवक ट्राई करवाऊंगा, शावरमा, चिकन शावरमा, और कुछ अमेजिंग चीज क्रॉकेट्स ट्राई करवाऊंगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं बफे की तरफ, और यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना कुछ लगा हुआ है बफे में, खाने को मिसे रहा नहीं जा रहा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, आई होप गाइज आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।